गदगद हो गए। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी महाराज की प्रशंसा करने लगे। चतुराई तुम्हार मैं जानी, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे ऋषिवर, आप राम जी के गूढ़ चरित्र को श्रवण करना चाहते हैं, यह मैं समझ गया। आपका जीवन धन्य है, धन्य है। कथा जब भी सुनने जाइए, कान पार कर श्रवण करिए। सब खटकर्म छोड़िए, यह मानकर बैठिए कि 3 घंटा हम अस्पताल में भर्ती, सब कुछ प्रतिबंधित है, न आना न जाना न सुनना, केवल कथा। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने ये प्रबंधन बना करके कहा, अब मैं किसको सुनाऊं, तो मैं गंगा मैया को काशी के 80 घाट पर सुनाता हूं। जिन जिन ने कथा गाई अथवा कथा सुनने की यात्रा बनाई, उन उन ने कथा की महिमा गाई और सुनी। आइए इन पंक्तियों के साथ हम आप सुनते हैं। कॉपीराइट जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय सब गाइए। जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती।
जन रंजन राम कथा करि कर सुखि भंजन परम पावन तव आस
मात्र से जन्म जन्म की व्यथा उतार लेती है, उतार देती है, संहार देती है, अरे लेकर सरजू मैया में डार देती है। सरजू सरी कली कलुष नशावन नशा देती है कलमशों को राम कथा। बाबा कहते हैं श्री राम कथा गंगा जी जैसी है, गंगा हरति पापम। ये राम कथा गंगा केवल यही नहीं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान सत समाज सुर लोक सब कौन सुने। श्री राम कथा देव नदी, श्री राम कथा कामधेनु, कामधेनु एक तपश्चर्या है, जिसकी वो तपश्चर्या पूरी हो जाती है उसकी समस्त कामनाएं कथा रूपी कामधेनु सहज ही पूर्ण कर देती है। ज्ञानपीठ से कथा प्रारंभ हुई, याज्ञवल्क्य पीठ के संसर्ग में आई, भक्ति पीठ तक उपस्थित होगी। कैसे? अतु शरणागति भाव से। पूज्यपाद गोस्वामी जी के पीठ का नाम है शरणागति पीठ, भोले बाबा की पीठ का नाम है ज्ञान पीठ, ऋषभ याज्ञवल्क्य जी महाराज की पीठ का नाम है कर्मकांड पीठ, और वसुंधरा बाबा की पीठ का नाम है भक्ति पीठ। हम आप आज से 9 दिन पर्यंत इन्हीं चारों पीठों में प्रणाम करते हुए श्री राम कथा यात्रा पूर्ण करेंगे।